Thank you.
జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి తాయితో ప్రేమలని నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ
श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 39। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 39 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। बोलिए बुद्धि योगे प्रीमां मुक्त हो जाओगे। अनुवाद एवं तात्पर्य
जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिएगा, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकोगे। तात्पर्य पढ़ेंगे और पढ़ेंगे आपके पूर्ण भक्ति को पढ़ेगा। वैदिक कोष निरुक्ति, तेज बोलिए, वैदिक कोष निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है। सुनाइए ना आप लोगों को, सुनाइए नहीं बोल रहे तो आप लोग भी सुनाइए, तेज पढ़िए। वैदिक कोष निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य का उद्देश्य देश दर्शन के लिए प्रयुक्त चिंता है, जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृष्टास्त्रों को आधार अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत ही था। उन्होंने जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रित की धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं, वह भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी के रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शरीर शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण के द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशाल वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोष की शब्दावली में इस विशाल अध्ययन को यह सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवमूर्ति से समक्ष भगवत गीता श्रीमद भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें अर्विक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ संयुक्त प्राप्त करना या माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह के अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इसी तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कहा है शरण ग्रहण करने के पहले ही उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया।
शिष्यास्ते हम सभी मां त्वं प्रपन्नम्। फलस्वरूप कृष्ण अब उस बुद्धि योग या कर्म योग की कर कार्य विधि बताएं जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इस पूर्ण भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विद्वान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति या कृष्ण भावना के रूप में स्थित है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वह भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकता है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। और यहाँ पर उल्लेखित संत शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी संत योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग की अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है, ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और ना ही उसने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख से कोई भी सरोकार नहीं है। यह सांख का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान श्री कृष्ण का सांख तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बला प्रतिदंती ना पंडिता। निसंदेह अलिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावना में पूर्ण आनंद तथा भक्ति का ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की पुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी चीज व्यवस्था व्यस्तता के कारण उस भगवत कृपा की स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कर्मफल तथा फल कर्मफल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म की विशेषता पारिवारिक या भौतिक प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का सिद्ध को जय जगत श्री प्रभुपाद की जय। नमो कृष्णाय भक्तरे श्रीमते भक्ति स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशतादृशता हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्लोक है गीता महत्व में, रेड होगा तो लगाइएगा उसको।
उन्हें गीता क्यों नहीं पढ़ना चाहिए उसके लिए है। गीतार्थम एक पदम च श्लोकम अध्यायम एव च स्मरामस्त्यक्त्वा जनो देहं याति परमं अर्धम एक पदम। यदि कोई व्यक्ति आधा गीता पढ़ता है, गीता अर्धम या श्लोकम अध्याय, चाहे एक आधा गीता पढ़ता है, चाहे पूरा गीता पढ़ता है, चाहे श्लोकम, चाहे एक श्लोक पढ़ता है अध्याय, चाहे एक अध्याय पढ़ता है, स्मराम त्यक्त्वा जनो देहं, यदि वह जब अपना शरीर को त्याग देता है, त्यागता है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? परमं पदम। कौन सा पद? यत् गत्वा परमं। इसलिए गीता हमें पढ़ लेना चाहिए समय निकाल के, और घर पे रखना चाहिए, तो लाल कपड़ा में बांध के नहीं रखना चाहिए, खोल करके उनकी आरती पूजा भी कभी कभी, क्योंकि साक्षात कृष्ण है। ऐसी हमारे स्कॉल के प्रोपा जी सिखाते हैं। ये गीता महात्म बहुत सुंदर है, वराह पुराण में पढ़िए, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में इतनी महिमा दी गई है कि आप सुनेंगे तो आपकी श्रद्धा गीता को पढ़ने के प्रति बढ़ जाएगा। इसलिए गीता का आधा श्लोक, गीता में 18 अध्याय है, चाहे आप आधा अध्याय पढ़ लीजिए, 9 अध्याय पढ़ लीजिए, चाहे आप एक अध्याय पढ़ लीजिए, चाहे आप एक श्लोक पढ़ लीजिए, चाहे आधा श्लोक पढ़ लीजिए, और आधा का भी आधा। उधर तो बोलते हैं वराह पुराण में भी आपको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ना है, धर्म क्षेत्र बस, यू वुड बी लिबरेटेड, आप मुक्त हो गए। सोचिए कितनी बड़ी महिमा है, बिकॉज ये भगवान की बुक से निकली हुई अमृत वाली वाणी है। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा विष्णुपदी कही जाती है, जब वो तीनों त्रिभुवन को तारती है, अपर पृथ्वी और नरक, नरक वहां तक जाती है, पताल लोक तक जाती है, पताल लोक से पुनः गंगा जाती है सीधा वैकुंठ कर्ण सागर में जाती है। अब बताइए भगवान के चरणों से टच करके उस कर्णोदक छाए कर्ण सागर का जल ये पूरी तीनों लोगों के तार रहा है, भगवान के मुख से निकली हुई गंगा क्या तार नहीं सकती? इसमें कोई डाउट है? कोई शक नहीं किया सकता है। इसलिए गीता को पढ़ना चाहिए। आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 39 की चर्चा करते हैं। इसमें क्या है? अब एक दूसरा भगवान एक अलग सेक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अध्याय में 1, 2, 3, 4 ये चौथा सेक्शन है। पहला सेक्शन में अर्जुन अपनी शंकाओं को प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु मैं कैसे युद्ध करूं, मेरे सब रून हथवा ऐसे करके देते हैं, कैसे बोलते हैं आप मारो, इनको मारने के मतलब इनके खून को सने में भोजन खाना है, मैं नहीं मारूंगा। फिर भगवान उनको सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, अर्थात आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा का ज्ञान क्या? न जायते वा मृते वा कदाचित नायम भूत्वा वानरम, पूरा आत्मा का डिटेल्स 11 से लेकर 30 नंबर श्लोक तक आत्मा के विस्तार से बताते हैं आत्मा के बारे में। क्यों? कि अर्जुन ये समझ पाए कि भाई युद्ध के मैदान में जो खड़े हैं वो शरीर नहीं है, क्या है? आत्मा है। ताकि ये फिलोसफी सुन के युद्ध करेगा? अभी तो ये अपना चाचा दादा गुरुजी और दादा मान रहा है, तो हो सकता है ज्ञान इसे मिलेगा तो भाई इसको आगे बढ़ाएगा, युद्ध करेगा। अभी उसके बाद सांख्य युग के बाद भगवान बोले ठीक है, या नहीं करोगे तुम तो क्षत्रिय हो ना, तो स्वभाव से तो तुम्हें करना चाहिए ना युद्ध। भगवान सकाम कर्म योग की चर्चा करते हैं, कब कितने श्लोक से? 31 से 38 के बीच में, इस सेगमेंट में बांटा गया है अध्याय। ऐसे 31 से 38 के बीच में सकाम कर्म योग, तो 38 नंबर श्लोक विराम हुआ है अभी, कल
और 39, 39 के 53 कितना श्लोक हो गया, 9, 4, 13 14 है ना, 14 हो गया, 14 पढ़ा, 14 की लीजिए, 14 श्लोक तक भगवान बुद्धि योग यानी भक्ति योग की चर्चा करेंगे। हम लोग तो भक्ति योग का ही पालन करते हैं ना, तो ये जो सेक्शन है रियली ऑसम है, रियली उत्तम है, हम भक्ति योग का पालन करने वाले डिवोटी के लिए, क्योंकि हम लोग तो अष्टांग योग में है नहीं, कर्म योग में है, हम लोग तो सीधा भक्ति योग में प्रवेश किए हैं ना, महाप्रभु की कृपा, सीधा डायरेक्ट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भक्ति योग में है, भगवान भक्ति कर रहे हैं। तो आप इन श्लोकों को थोड़ा समझते हैं, कह रहे हैं कि ऐसा ते अभिहिता सांख्य, ऐसा ऐसा माने यह सब, कौन सब, कौन सब, जो पीछे सुनाए आत्मा के बारे में, कर्म योग के बारे में, ये सब कह रहे हैं अभिहिता वर्णन किया गया, कौन किसको वर्णन कर रहा था, अर्जुन को कृष्ण वर्णन कर रहे थे, ऐसा ते अभिहिता सांख्य, हे अर्जुन, मान लीजिए संबोधन मैं डाल दूं, हे अर्जुन, इससे पहले जो मैं अभी इसको बोलने जा रहा हूं, इससे पहले जो कुछ भी वर्णन किया गया वो क्या है, सांख्य, सांख्य मतलब, सांख्य मतलब वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा, मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या होते हैं, परमात्मा क्या करती है, आत्मा किसका अंश है, इसका अंश कितना है, इनका आकार कितना, एवरीथिंग 11 से लेकर 30 नंबर श्लोक के बीच में चर्चा की गई। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि मैंने तुम्हें आत्मा के बारे में बता दिया, तो मानो अर्जुन कहे कि ठीक है बता दिया तो अब हम क्या करें, बता दिए तो अब हम क्या करें, भगवान कहते हैं बुद्धि योगे तिमाम सुनो, अब तुम उससे बुद्धि योग के बारे में सुनो, अब तुम उससे आत्मा के बारे में, सांख्य योग के बारे में सुन चुके हो डिटेल से, लेकिन मानो अर्जुन पूछे प्रश्न, हम करते हैं आचार्य करते प्रश्न, मानो अर्जुन पूछे तो अब ठीक है सुन लिए तो हो गए ना, बोला नहीं अब तुम उससे क्या सुनो, बुद्धि योग के बारे में सुनो, इसलिए लास्ट शब्द है, लास्ट ऊपर वाला एक शब्द है बुद्धि योगे त्वि माम श्रुणु, श्रुणु सब बड़ी सुंदर है, सुनो क्या सुनो, अर्जुन से भगवान सुनेंगे, भगवान सुनाएंगे अर्जुन को, ए अर्जुन मुझसे सुनो, योगे तू इमाम सुनो, अब तुम क्या करो, बुद्धि योग यानी निष्काम कर्म के बारे में सुनो, किसके बारे में सुनो, निष्काम कर्म के बारे में सुनो। तो यहां पर दो प्रश्न होता है, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि इससे पहले मैंने तुमको वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा आत्मा के बारे में डिटेल्स बताया, तो अर्जुन पूछे ठीक है डिटेल बताया तो अब क्या करूं, तो अब मुझे बुद्धि योग के बारे में सुनो, अर्थात निष्काम कर्म योग के बारे में सुनो। यह दो प्रश्न होता है, निष्काम कर्म योग है क्या और सुनना क्यों जरूरी है, नहीं करता है, जो प्रश्न है उठेगा, उठाएंगे तब उठेगा, नहीं तो बैठे रहेगा, उठाना पड़ता है प्रश्न, तब तो आप बोलेंगे, आप सभी लोग ये बताइए कि निष्काम कर्म योग कहते किसे हैं, वन बाय वन, निष्काम कर्म किसे कहते हैं और सुनना क्यों जरूरी है, बताइए निष्काम कर्म योग किसे कहते हैं, निष्काम कर्म क्या है, जानेंगे तब तो करने का फोन बताइए, अब देखो निष्काम कर्म का अर्थ होता है जो भी कार्य किया जाए उस कर्म के फल को भोगने की इच्छा न रखना और वो कृष्ण के प्रीति के लिए किए हैं। आप वीरेंद्र प्रभु जी इस काम करो अपना स्वार्थ नहीं पूरा हो, मानो प्रभु
भगवान के प्रति काम करने के लिए बिना स्वार्थ के काम किए जाने वाला गाथा प्रभु। कोई भी कार्य का अपना लाभ लेने का भगवान के प्रति समर्पित करना मुश्किल संबंध के लिए निस्वार्थ भाव से मान लीजिए एक प्रश्न है मेरे मन में उठ रहा है विचार कि मैं काम करता हूँ 30 दिन सैलरी मिलती है तो सैलरी अपनी यूज करना है ठाकुर जी के लिए तब तो निष्काम होगा। ठाकुर जी के लिए मैं कर रहा हूँ तो मुझे बताइए निष्काम कर्म जो क्या है क्या बोल दिया कोई भी स्वार्थ ना होगा एक ही बार में क्या बोले आप क्या बोले आगे क्या बोलते अच्छा ठीक अब बंधन वाला बात मत करिए बंधन में आएंगे हम लोग बंधन पर भी चर्चा होगी। निष्काम कर्म मतलब किसी भी तरह का स्वार्थ तुम प्रभु बताइए निष्काम कर्म किसे कहते हैं सुनाई नहीं दे तेज बोलिए थोड़ा सा कर्म फल की इच्छा ना बहुत सुंदर बात है बहुत सुंदर बात है रही संदीप प्रभु व्हाट इज निष्काम कर्म योग इच्छा रहित आत्मा और परमात्मा के जो कर्म किया जाता है अब बताइए मैं निष्काम कर्म आप उसके ऊपर है आप सभी लोग सही है निष्काम कर्म का मतलब है निष्काम किसी भी तरह की कैसी काम करें अपने लिए कामना मतलब बस चुपचाप रह जाइए कामना करें हम अपने लिए करें जो कार्य अपने लिए नहीं कृष्णा को सेंटर में रख किया जाता है और भगवान की तुष्टि संतुष्टि और पुष्टि के लिए की जाती है अपने लिए नहीं किया जाता है निष्काम का एक ही होता है निष्काम जिसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं निहित हो ये निष्काम कर्म योग होते हैं। यदि आप कर्म कर रहे हैं यदि ठाकुर जी के लिए है वो सब चीज उसकी चर्चा बाद में करिएगा प्रभु जी एक मिनट बाद में करिएगा आप लोग बाद में कर लीजिएगा बिकॉज वी आर गेटिंग डिस्टर्ब आप बात करेंगे तो निष्काम कर्म का मतलब होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है इसको बोलते निष्काम कर्म आप लोग सभी लोग मिला जुला कर सही है लेकिन उसमें क्लियर होना चाहिए कि जो कर्म फल है वो मेरे लिए किसके लिए है दैट इज निष्काम कर्म सीधा डेफिनेशन है ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है आत्मा परमात्मा घुसाना ही नहीं है उसमें जो भी फल है सिर्फ ठाकुर जी के लिए मैं उसका भोक्ता नहीं हूँ भोक्ता इज भोक्ता राम एक तब साम सर्वलोक सीधा एक फॉर्मूला 5:29 भगवद गीता ज्यादा इतना क्या खोपड़ी लगाना है भगवद गीता क्लियर से इसको बोलते निष्काम कर्म योग और हमको इसी पर आना नहीं आना है आना है नहीं आना है हमारा टारगेट नहीं है निष्काम कर्म योग नहीं आना है। अब दूसरा पॉइंट है श्रवण क्यों जरूरी है भगवान यहां पर अर्जुन जैसे अर्जुन को कहते हैं सुनो क्यों सुनना चाहिए सुनेंगे तभी तो कुछ करेंगे और भक्ति नवधा भक्ति की शुरुआत ही श्रवण से होती है और लास्ट कहां होती है आत्मनिवेदन तो सुनेंगे सुनने से ही भक्ति की शुरुआत करेंगे सुनना शुरू करेंगे शुरू होगी ऐसा भागवतम कहता है मैं नहीं प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम प्रहलाद जी कहते हैं सप्तम स्कंध के 5वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक है प्रहलाद जी
बारह महाजनों में से एक महाजन है। महाभारत में वर्णन है कि महाजनों एक गतः स, महाजनों ने जो रास्ता दिया है उसे हमें फॉलो, क्यों? क्योंकि वे भगवान को तत्वतः समझे हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धि का यूज नहीं करना है। महाजन ने जो रोड मैप बना कर दे दिया है, मान लीजिए यहाँ से वृंदावन जाना है और हमारे सीनियर जो भी है गरीब बड़े भक्त होते हैं, भैया पटना कोटा तो पकड़ी हो, 3:30 मिलती है, प्लेटफॉर्म नंबर 7-6 पर से मिलती है ना, बैठ जाइएगा अपनी सीट पर, सीधा मथुरा उतरिए आपको, बोले ना हम पटना कोटा नहीं पकड़ा, हम भगवे ना हम चली गया गया होकर फिर पटना जाए, पटना से पकड़ा चाहे पटना होकर के फिर कहीं और जाए पकड़ेगा नहीं, मतलब और जिग-जैग रास्ता बताता है, अपना दिमाग लगाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो हमारे सीनियर जो हमारे गुरु जो हमारे आचार्य जो कहे उसको मानना, जब कुछ सब कुछ लिखा है तो उसको फॉलो करना है, हम अपनी बुद्धि में कितना लगा सकते हैं, भगवान ने कह रखा है। इसलिए श्रवणम बहुत जरूरी है, भगवान कह रहे हैं कि तुम सुनो, किसके बारे में सुनने की बात कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग के बारे में। जब हम सुनेंगे ही नहीं कि निष्काम कर्म योग क्या होता है, तो हम कैसे जानेंगे कि निष्काम कर्म योग होता क्या है और कैसे वहां तक पहुंचा जाता है, ये तो कैसे पहुंचा जाता है वो तो अलग प्रोसेस हो गया, वो तो रियली डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन कैसे पहुंचना है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है, क्या करना होता है, क्या फिलोसफाइज करना होगा, सब समझना पड़ेगा ना, सुनेंगे इसलिए भगवान कह रहे हैं सुनो। मान लो अर्जुन कहे ठीक है आप मुझे निष्काम कर्म योग के बारे में सुनाना चाहते हो, क्यों सुनूं मैं, प्रश्न होता है ना, आई आप निष्काम कर्म योग के बारे में सुनाना चाहते हैं तो क्यों मैं सुनूं, मानो अर्जुन प्रश्न पूछे, भगवान कहते हैं बुद्धया युक्तो यया पार्थ, बहुत सुंदर लाइन है ये, ऊपर वाला लाइन से नीचे जो लाइन होता है उत्तर पक्ष, क्या बोलते हैं उसे, और लास्ट का जो सेगमेंट है और उत्तर पक्ष होता है वो और टॉप होता है, जो शब्द है कर्म बंधम प्राहस्यसी, एक लास्ट उत्तर पक्ष है, उत्तर का उत्तर पक्ष है, कहते हैं बुद्धिया युक्त तो यह पाप है, पाप पाप क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथा के पुत्र हुए अर्जुन, कुंती मैया का बचपन का नाम पृथा था, बाद में जब उनको कुंती गोद ले लिए तब उनका नाम क्या हो गया, कुंती, अदरवाइज उनको पृथा ही कहा जाता है था और कहा जाएगा, बाद में कुंती भोज ने गोद लिया तो कुंती नाम हो गया, बोलते हे पार्थ हे अर्जुन आप पृथा के पुत्र हो, आप कुंती के पुत्र हो, आप क्या करो बुद्धिया युक्त तो यह पार्थ, यदि आप बुद्धि से युक्त, यानी किस बुद्धि से युक्त, निष्काम कर्म करने की बुद्धि से युक्त, बुद्धि से युक्त मतलब कैसी बुद्धि, निष्काम कर्म करने से युक्त बुद्धि, भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं किस बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, जो निष्काम कर्म जिस बुद्धि से किया जाता है, कह रहे हैं कि बुद्धि से युक्त तथा किस बुद्धि से, तो निष्काम कर्म करने, निष्काम कर्म करने, निष्काम कर्म करने की बुद्धि से, तुम सुनो कि निष्काम कर्म वाली बुद्धि कैसी होती है उससे सुनो। तो माने अर्जुन पूछे कि ठीक है आप कहते हैं कि निष्काम कर्म करने से युक्त बुद्धि को सुनो, तो इस बुद्धि के बारे में यदि मैं सुनूंगा तो क्या होगा, तो बोलते हैं लास्ट टाइम कर्म बंधन प्राहस्यसी, अगर तुम निष्काम कर्म करने से युक्त बुद्धि से कर्म करोगे तो क्या होगा, कर्म बंधन प्राहस्यसी, ये सबसे जिस्ट लाइन है, मतलब सार है, मतलब यदि तुम सुनोगे बुद्धि योग के बारे में, बुद्धि योग के बारे में सुनोगे, बुद्धिया युक्तो यह पार्थ, भक्ति योग वाली बुद्धि सुनोगे, अर्थात कैसी बुद्धि, जिसके द्वारा निष्काम कर्म के स्तर तक पहुंचा जाता है,
उसके द्वारा अब तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे ऊपर कर्म बंधन लगने वाला। इसका मोटा मोटी अनुवाद हुआ कि अर्जुन को भगवान कहते हैं कि जो अभी तक मैंने सुनाया सब जो का वर्णन किया, अब तुम मुझसे बुद्धि योग के बारे में सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि इससे तुम्हें बुद्धि मिलेगी, निष्काम कर्म करने की युक्त बुद्धि। बुद्धि योग का बारे में सुनोगे तो निष्काम कर्म युक्त बुद्धि मिलेगी, और उससे कर्म करोगे तो क्या होगा? कर्म बंधन प्राहस्य से, फिर कर्म बंधन न लगी लगभग न करें, क्योंकि जानते नहीं है हम कि निष्काम कर्म करेंगे। वहां कर्म बंधन से बच जाओगे, अर्थात कर्म बंधन नहीं लगेगा। मानो फिर अर्जुन पूछे, हम कर्म ही नहीं करें तो तब अर्जुन को खोपड़ी है भाई। भगवान कहते हैं एक जीवात्मा बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। सेवा करेगा चाहे पत्नी का करे चाहे भगवान का करे, मतलब माया का करे चाहे किसी को तो करेगा, क्योंकि सेवा किए बिना हम चाहे कंपनी में करे चाहे मंदिर में करे करना तो। इसलिए सन्यासी लोग भी हमारे मंदिर बनाते हैं। देखिए वृंदावन में एक सन्यासी है महाराज, उनका काम है केवल आर्किटेक्चर। बड़े अभी जो वृंदावन का प्रोजेक्ट बन रहा है ना, वही महाराज बना रहे हैं। उनका बड़ा लंबा नाम है, मुझे नाम नहीं आया। वृंदावन में रहते हैं, इज ऑलवेज एक्टिव। कैसे कहाँ काम हो रहा है तो मैं देखता हूँ, घूम रहे हैं बार बार साइड पर जा रहे हैं, कहाँ तक काम हो रहा है, किधर काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, एवरीथिंग। किसके लिए कर रहा है? प्रभुपाद जी के लिए, गुरु के लिए, गौरांग के लिए। तो वो कर्म बंधन लगने वाला आपको लगेगा, अरे नहीं नहीं सन्यासी हूं करके तो बिल्डिंग बना रहे, बिल्डिंग का अपने ताऊ जी के लिए नहीं बना रहे, अपने असली परम पिता गुरु को प्रसन्न करने के लिए बना रहे। पंचो बिना इस पर कैसे करिएगा। और उस महाराज को मैंने देखा जिस दिन गोपाल कृष्ण महाराज जी का समाधि हुआ था, पूरा महाराज उसके अंदर प्रवेश करके फावड़ा लेकर के नरेंद्र प्रभु जी होल डे मतलब लगे रहे उसने, सोचिए अंदर घुस जब पसीना पसीना हुए महाराज, बहुत एक्टिव है महाराज। कभी देखिए वृंदावन में गए, उनका नाम लंबा है मुझे याद नहीं आया, किस स्तर पे है, सकाम पे है कि निष्काम पे, किसके लिए कर रहे हैं? उनको कोई चुंगू मुंगू नहीं है, सब ठाकुर जी निष्काम इस स्तर पर। तो कोई जीव कह ही नहीं सकता कि मैं तो काम नहीं करूं। काम तो करेगा भाई, कि तो अपना अपना घर बनाएगा, नहीं तो फिर भगवान के लिए बनाएगा, बनाएगा जीव बिना बनाए नहीं बनाएगा तो रहेगा ना, घर में तो रहना है ना, रहना ही तो है, उसे मजबूरी है, बाहर तो रह नहीं सकता है। शिव जी पार्वती जी के तो कि चलो भाई वृक्ष के नीचे रहते हैं, हमें तो ठंडा लग जाएगी। शिव जी पार्वती जी तो हम उस लेवल के तो वैष्णव हो, वैष्णव नाम अच्छा सब हुए तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो ठाकुर जी कहते हैं कि देखो अर्जुन ऐसा काम करो कि तुम्हारा काम भी हो जाए और कर्म बंधन भी, तो निष्काम कर्म। वो काम भी कर रहे हैं, वो सन्यासी काम भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म बंधन भी, अगर इच्छा भी होगी काम करने की तो इच्छा पूरी हो रही है महाराज। खाने का उदाहरण देते हैं, खाने की इच्छा है, क्या क्या खाएंगे आप लोग आज संध्या में? खिचड़ी खाएंगे, पता को खिचड़ी बनाया है, वो खिचड़ी भोग लगता है, खा लिए तो जो भोग ऑफर हुआ वो प्रसाद हो गया। फिर प्रभुपाद जी क्या कहा तो महाप्रसाद हो गया, आपको मिला तो उसको खाने से पेट भी भरा, अब उसे खाने से सीधा नरक जाएंगे, सीधा ऊपर जाएंगे, ऊर्ध्व गच्छन्ति है कि नहीं? लेकिन वही खिचड़ी बनाएगा खूब डाल के आज जा दुनिया भर क्या विदाउट भोग खुद सहोड़ दी है, हमने कहा जाएगा वो गर्म बदल लगेगा। एक ही चीज है उसको बस, टीवी वही है, फैशन शो देख रहे हैं कि संस्कार देख रहे हैं, रिमोट वही है, रिमोट
रिमोट वही है, आंखें वही है, ठाकुर जी को देख रहे हैं, किसी हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस बॉलीवुड टॉलीवुड उनको देख रहे हैं, फर्क वही है, कान वही है, इस कान से राम विष्णु कृष्ण कथा सुन रहा है कि खेसारी पवन सिंह आदि का सुन रहा है, अब आज ये चल रहा है समय, बस सिंपल सी बात है, चेंज कर, हमें ऐसे काम करना है कि लाठी से सांप भी मर जाए और लाठी भी खा भी लिए, रसगुल्ला खिचड़ी सब डाल दिए और खाने के बाद बैक होम प्रसाद खाना भी 64 भक्ति में से एक होंगे महाराज, भक्ति सभी शुद्ध पड़ेगी, निष्काम कर्म करेंगे तो हमें कर्म बंधन लगने वाला, लेकिन किस प्रकार के कर्म से कर्म बंधन लगता है महाराज, सकाम कर्म से, किस कर्म बंधन से, सकाम कर्म किसे कहते हैं, अपने लिए किए, मतलब जो कुछ भी होगा मेरे लिए होगा, 1% भी ठाकुर जी के लिए कोई चांस नहीं है, उससे क्या होगा मुझे सकाम, मतलब कि वो कर्म बंधन लग गया, जैसे उदाहरण के आचार्य भोजन बनाते हैं हम खूब बढ़िया, लेकिन ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे और सीधा अपने से कटक जाएंगे, लावा भोजन दिखाएंगे ये ठाकुर जी की चंडल घाटी भी, दो माला करिए भोग लगाने के बाद, एक माला करिए दो माला करिए, 10 मिनट में तो लोग खाएंगे ना, कुछ लोग रखते हैं टंटन घंटी हटावा जल्दी खोलो के ना खेलो जल्दी निकलो बाहर, तो स्पीड में होते हैं, और बात बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 राउंड ऑफ चैंटिंग शुड बी डन ओवर देयर, ठाकुर जी को भोग लगाए तो बगल में साइड में बैठ के चैंटिंग होना चाहिए बैठकर, जैसे आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो चावल देते हैं खिलाते हैं, पहले भी ऐसे संस्कार था है कि नहीं, बेना देते हैं ऐसे और बोलते हैं खाई है, ऐसे करते हैं, कोई अतिथि आता है चाहे आपके अपने आ गए हो तो प्रेम दर्शाते हैं ना उसके ऊपर, ये भगवान के प्रति भाव है भक्तों का, वन माला शुड बी डन, ये ना आप ताली बजा के देन एंटर करिए घंटी बजाइए ताकि ठाकुर जी खा पी करके टकाटक हो जाए, ये ना प्रसाद लोग उठाए प्रभु उठा रहा कृपा, फिर अपना डिस्ट्रीब्यूटर दिखाइए, ये सिस्टम होता है, ऐसा आचार्यों ने हमें कहा है सुनाया है, लेकिन वही चीज हम ठाकुर जी को नहीं लगाएंगे सीधा क्या खाएंगे, यदि शिष्टा सिनो संतो मुच्यते सर्व के लिए से गुंजते तू अघम पापा, पापा बोलते पापा, पापा नहीं सीधा पापी है, ये पाप खा रहा है ना, भक्तों की बात नहीं हो रही, इसलिए आप लोग पता नहीं बन लीजिएगा, वो पापा की बात हो रही है जो भोजन खाते हैं प्रसाद नहीं खाते हैं, तो वो क्या बोलेंगे हम, क्या खा रहे हैं वो, पापी खा रहे हैं तो पाप खाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, लेकिन उनको दुख लग जाएगा, ऐसा नहीं बोलना कि प्रभु जी आप पापी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भूख लगा खाएंगे तो यही चीज अच्छा हो जाएगा, ये सिस्टम है, प्रचार करने की दृष्टि से जाएगा तो उनको नहीं बोलेंगे प्रभु जी आप तो पापी हो, क्या बोल रहे हैं पापी हूँ भागो यहाँ से, इसको हमारा सबको पापी बना देता है, नहीं बोलेंगे प्रचार मोमेंट में हमें थोड़ा सा टेक्निकली उनको पकड़ना है, प्रभु जी जो आप खाते के पनीर की सब्जी खाओ ओनियन गार्लिक मत डालो उसमें, और उसको ठाकुर जी के सामने रखो मंत्र पढ़ लो हरे कृष्ण मंत्र यही पढ़ लो 3-4-5 बार, कुछ भी नहीं आता है तो तुलसी पत्र डालो एटलीस्ट 1 राउंड शुड बी चैंट और देन आप उसके ग्रहण कर लो, वो समझेगा ठीक है तो भाई पनीर भी खाना है बस प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, ज्यादा दिमाग खराब करो बोले मंदिर आ जाओ यहाँ उसे प्रसाद खिलाइए, प्रसाद खाते खाते जब उसका पुण्य बढ़ेगा स्वीकृति बढ़ेगी निश्चित ही सब कुछ करना शुरू कर देगा, ये सिस्टम है प्रचार के लिए करना चाहिए, इसलिए सकाम कर्म करने वाले जीवों के पास अनंत इच्छा होती है, और इच्छा की उत्पत्ति किस गुण से होता है, रजोगुण से होता है, किस गुण से होता है, देखिए हम दूसरे अध्याय से सीधा जा रहे हैं 3वें अध्याय में, इमेजिन करिए गीता कनेक्शन देखिए, फिर हम लोग भागवत में जाएंगे, दूसरे से जाएंगे 13वें से भी भागवत में जाएंगे, कैसे कनेक्शन है, दे ऑल ग्रंथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड है, रजोगुण से होता है, भगवान कहते हैं कि रजोगुण की उत्पत्ति ही
इच्छाओं और अनंत कामनाओं से होती है, दोनों वाइस वर्सा है। रजोगुण है मतलब इच्छा होगी, और इच्छा है तो मतलब रजोगुण है। ध्यान दीजिएगा, श्लोक बड़ी सुंदर है, उसको दोहराइएगा हम तो, बहुत मतलब मार्मिक श्लोक है, सबको गुनगुनाना चाहिए। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेयः कर्म संगेन देहिनम्। देहिनम् जितने देहधारी हैं ये कौन्तेय पुत्र तत् निबध्नाति बंध जाते हैं रजो रागात्मक विधि रजोगुण के द्वारा। क्यों? रजोगुण की उत्पत्ति किससे होती है? तृष्णा संगम समुद्भव, तृष्णा और कामना से रजोगुण की उत्पत्ति होती है। ये रजोगुण हमें बांध कर कैसे बांधता है? इच्छा होगी मान लीजिए हमको मांस खाना, घृणित कार्य है, हम खाना शुरू कर दिए, लेकिन हमें भगवान ने क्या शरीर दिया है? पशु का। ये जो भक्ति रसामृत महाराज कहते हैं कि आवर इंटेस्टाइन भगवान के द्वारा ऐसा नहीं बनाया गया है जिसमें मांस पचे। हमारे इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है पता है? 33 कितना इंच? 33 फीट है। गूगल करके देखिएगा, 33 फीट लंबी इंटेस्टाइन हम लोग का दूरी मतलब लंबा होने के चार जो गट की जो मोटालिटी है वो घट जाती है, इसलिए डाइजेशन फास्ट नहीं होता है। हमारा इंटेस्टाइन बहुत लंबा है, ऐसे 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 होता दिखता है ना, लंबाई ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लीजिएगा कितना है ना, 33 फीट मैंने सुना है। भक्ति रसामृत महाराज कहते हैं इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मांस में तो बड़ी प्रोटीन बा, वो खाए कर के तोड़ के खा, आगे चल के ना फेटने में क्या हुई, अल्सर हो जाए, मर जी वह, क्योंकि पचाने के लिए मांस नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है। ये साग दाल चावल सब्जी मार भात ये सब मंटा छाछ आदि ये सब खाने के लिए बनाया गया है। लोग तर्क देते हैं फालतू का, क्यों नहीं खाए, मुर्गा बढ़ जाएगा, ये सब पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है, जीव कहाँ जाएगी, अरे बाप रे बाप, ऐसे लोग कर देते ना आपका दिमाग उखड़ जाएगा। बोले भाई तू हमारा रास्ता छोड़ा, मुझे देखो उनको तो भक्ति करना नहीं, आपको परेशान करेंगे, उनसे रास्ता बदलिए निकलिए तुम वहां से। इसलिए कहने का मतलब है तो रजोगुण व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कामना है ना, तो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः चखन्ति गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। हम न सत्वगुण को लेंगे न तमोगुण को लेंगे, हम किसके लोगे? रजोगुण के। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जो रजोगुण व्यक्ति है जिसके अंदर इन्हीं खाऊं भी खाऊं इनको पकड़ूं ऐसे पकड़ूं, वो यहीं पर रहेगा, क्या करेगा? 84 लाख की जोनियों में रहेगा। अब बताइए कि हम मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं मनुष्य के जोनी में, और यहां से यदि हम कोई भी इच्छा किए वो इच्छा प्रकृति हमें पूरा करने के लिए शरीर पुनः बेचारा घूमते रहेगा, कॉकरोच छिपकली क्रिकेट आदि बनते हुए बकरा बकरी सब सियार वगैरह बनते हुए पता नहीं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, अनंत कोटि जीव है। तब उस पे जब भगवान कोई भगवान जी पर कृपा करेंगे तब जाकर के उसे मनुष्य शरीर बड़े भाग मां नुसतन पावा सुर दुर्लभ सब रामचरितमानस, बड़ी भाग्य से मिलल भाई शरीर बा, इससे भजन ना कर दी तो हमनी के लॉस हो जाएगी, इसे भजन करी जरूरी बात। इसे रजोगुण व्यक्ति कहा जाएगा? पृथ्वी पर रहेगा 84 लाख की जोनियों में। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जगरे शरणम यह संसारे खल दुसारे पाहि मुरारे आहि मुरारे।
अब जैसे कोई पति है और उसकी आसक्ति पत्नी में, अगला जन्म में क्या बनेगा? स्त्री बनेगा। यम यम वापि स्मर भावे त्यजन्ते कलेवरम। आज इसको पति में सीधा पति बनेगी अगले जन्म में। पुरुष ले भोग, मतलब भोगो भाई, ये तुम्हारी इच्छा थी तो करो। इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज है। और इस तरह से हम कर्म बंधन एक दूसरे को बनाते हुए अनंत कोटि जीवों में हम लोग योनियों में भ्रमण करते रहते। इसलिए बुलाता है निष्काम हो जाइए। इसलिए भगवान कहते हैं निष्काम कर्म करने की बुद्धि हमसे सुनो, क्योंकि इसके द्वारा तुम्हारा कर्म बंधन कट जाएगा, लगने वाला नहीं है। मान लो कोई भगवान से पूछे कि प्रभु वह बुद्धि क्या है, भगवान कहते हैं भक्ति जो। फिर कोई पूछे प्रभु किसकी भक्ति करना है, हम तो कामना से भरे हैं। कोई बोले हम तो अकामी हैं, कोई बोले नहीं मैं तो मोक्ष कामी हूं। भगवान कहते कोई बात नहीं है, तुम कामी हो अकामी हो, चाहे सर्व कामी हो चाहे मोक्ष कामी हो, मेरी भक्ति करोगे तो तुम मुझे तुम्हारे जितने भी कामना है मैं सबको ध्वस्त कर दूंगा और तुम मुक्त हो जाओगे। और किसको प्राप्त हो जाओगे? मुझे प्राप्त हो जाओगे। बहुत सुंदर भागवतम का श्लोक है। सूत जी कहते हैं अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम। अकाम चाहे निष्काम कर्म वाले हो, चाहे सर्व काम सभी तरह के कामना वाले हो, मोक्ष काम चाहे मुक्ति की कामना। कितनी मुक्तियां होती हैं कहिए? पांच होती हैं, सालोक्य सामीप्य सायुज्य सारूप्य और शास्त्र में शास्त्र की मुक्ति का वर्णन किया गया। तो जो व्यक्ति अकामी है सर्वकामी है मोक्ष कामी है उनको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसी भक्ति? त्रिप्रेण। अच्छा त्रिप्रेण मतलब क्या समझते हैं? मतलब हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, दैट इज त्रिप्रेण। भक्ति विश्वनाथ चतुर्थी पाठ का टीका पड़ेगा इसके ऊपर, बहुत सुंदर टीका है। वाओ त्रिप्रेण शब्द पर संदीप त्रिप्रेण शब्द पर तिब्रमत साधन में अनन्यता होनी चाहिए। मतलब भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को, भक्ति के अलावा नहीं। कुछ तप भी कर लिए, कुछ ध्यान भी कर लिए, कुछ गंगा में स्नान कर लिए, कुछ इधर भी कर लिए। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए उदाहरण है, गंगा जी में स्नान कर सकते हैं उसमें भी पाप खत्म हो जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जहां गए वहीं शुरू हो गए। जैसे भैंस का बच्चा होता है ना उधर ही शुरू हो जाता है, गाय का बछड़ा शुरू नहीं होता है, अपनी माँ को पहचानता है कि भी मेरी माँ। तो कहने का मतलब है तिब्रेण भक्ति योग साधन में अनन्यता, मतलब भक्ति योग के द्वारा ही आपको परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं बुद्धि योग के बारे में सुनो, बुद्धि योग के बारे में सुनोगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? निष्काम कर्म करने की जो बुद्धि है हमें प्राप्त हो जाएगी, युक्ति मिल जाएगी और उसके द्वारा फिर हम कर्म बंधन को परिहास्य से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इस श्लोक के माध्यम से यही है, इसका तात्पर्य बड़ी सुंदर है, पढ़िएगा आप लोग। कृपा जी ने इसके ऊपर कम से कम 4 दिन क्लास होना चाहिए, इतना सुंदर तात्पर्य है। एक एक तात्पर्य पर प्रभुपाद जी ने सांख्य जो कपिल भगवान के बारे में चर्चा करते हैं ना, एक नास्तिक कपिल हुए, प्रभुपाद जी सब कुछ डिक्लेयर करते हैं। कभी मौका मिल जाए तो पढ़िएगा। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेम दे। Hare Krishna, 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 Hare Hare.
नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्ति स्वामिनी नामिने बोलिए Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
हेलो हेलो हेलो।